तेज खबर 24 में इस वक्त खबर आ रही है सीधी जिले के संजय टाइगर रिजर्व से, जहां बीती रात्रि छत्तीसगढ़ से आए हाथियों के झुंड ने खैरी गांव के एक ही परिवार के 3 व्यक्तियों को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया है। मृतकों में गोरेलाल यादव एवं उनके दो पोते रामकृपाल उम्र 12 वर्ष एवं रामप्रसाद यादव उम्र 13 वर्ष है, जिन्हें हाथियों ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया है। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने आज सुबह चकाजाम कर दिया, तो वहीं मौके पर वन विभाग की टीम एवं पुलिस की टीम भी मौजूद है और घटना की जानकारी मिलते ही कुसमी SDM भी पहुँच चुके हैं। घटना स्थल के 500 मीटर की दूरी पर कोटा तिराहे पर ग्रामवासियों ने चका जाम कर दिया। फिलहाल बातचीत का दौर जारी है। तो यह है इस वक्त की बड़ी खबर जो सीधी जिले के संजय टाइगर रिजर्व से आ रही है, जहां बीती रात्रि हाथियों ने खैरी गांव के एक ही परिवार के 3 व्यक्तियों को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया है। हम आपको बता दें कि बीते कुछ माह पहले हाथियों का झुंड छत्तीसगढ़ से सीधी जिले की सीमा में आ गया है। अब तक ये हाथी घर और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे, लेकिन अब इंसानों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिए हैं।